हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। आज मेरा वर्कआउट है बैक के ऊपर कि हम अपने बैक को कैसे ट्रेंड कर सकते हैं घर में, वो भी एक पेयर डंबल्स के साथ। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारी 7 एक्सरसाइज है ऐसी जो हम बैक को ट्रेंड करेंगे, जिससे वो भी एक जोड़ी डंबल से। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्कआउट जो होने वाला है, जिसका पहला एक्सरसाइज है, जिसे हम बोलेंगे डंबल पुल ओवर। ऐसे पोजीशन लेनी है अपनी और अपने चेस्ट को ऐसे अप करना है, बैक को बेंड करेंगे हल्का सा और अपने वेट को ऐसे पकड़ना है। आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है वेट कैसे है, ज़्यादा ग्रिप लेनी है और वेट चेस्ट में नहीं लाना है, आपको अपने हेड के ऊपर रखना है। अब हम इसे डाउन करेंगे और अपने लैंड को स्ट्रेस देंगे। ऐसे अप करना है थोड़ा सा और अपने कोर को टाइट रखना है और शोल्डर की इक्वल हमें अपने लेग्स ओपन करने हैं। नीज को हल्का सॉफ्ट करेंगे और ये पोजीशन लेके और अपने डंबल्स को हम ऐसे रखेंगे और फिर इसे हम इजीली मतलब स्लोली अपने बॉडी में पेल्विक बोन तक लाएंगे। अपने हाथ को थोड़ा वाइडिश रखेंगे शोल्डर से, जैसे मैंने रखा हुआ है। और इसमें वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, आपको ध्यान रखना है पहले आपको अपने चेस्ट को अप करना है ऐसे अप, और फिर लिफ्ट करेंगे वेट को स्टार्ट करके। थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे नीज को, चेस्ट लिफ्ट करेंगे आप और स्ट्रेट रहेंगे ऐसे। और ये वर्कआउट हमें बहुत धीरे धीरे करना है, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं करना है, क्योंकि स्पीड करने में हम लोग मसल को फील नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत स्लो करेंगे। तो मैंने इसमें वेट लिया है, पोजिशन ऐसे रहेगी, ऐसे चेस्ट के नीचे रहना चाहिए ऐसे। हमारा ये 5th वर्कआउट है जिसका नाम है रिवर्स हाइपर एक्सटेंशन। तो आपको वर्कआउट करते समय इस वाले में एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी पेल्विक बोन को हमें यहाँ से लगाना है अटैचमेंट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप केवल पोजीशन देखिए। तो भाई हमें इस वर्कआउट में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें जब तक पूरा एक्सरसाइज का सेट नहीं हो जाता हमें अपने पैर को नीचे टच नहीं करना है, हमें टच कब करना जब हमारा पूरा सेट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना। ये 6th वर्कआउट है जिसका नाम है डेडलिफ्ट की इक्वल जितना है उतना ओपन करना है हमें हल्का सा, चेस्ट को हमें लिफ्ट करना है ऐसे और अपने कोर को टाइट करना है और हल्का सा डाउन नी सॉफ्ट करेंगे
और वे इसको ऐसे रखेंगे, या ऐसे रख लीजिए आप, या ऐसे रख लीजिए जैसा आपको कंफर्टेबल हो ऐसे, और फिर हमें डाउन होना है सेम पोजीशन में। गाइस हमारा ये लास्ट वर्कआउट है इस वीडियो का, जिसका नाम है लेटरल रेजेस, वाई रेजेस। तो हमें ये लास्ट वर्कआउट है गाइस। एक चीज है कि मतलब मेरे पास ऐसी बेंच नहीं है अवेलेबल, तो मैंने ऐसे वेट्स लगा के अपनी बेंच को ऐसे बनाया है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो, जो मैंने 7 एक्सरसाइजेस बताई है। आप इसे अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, एक डंबल जोड़ी है पेयर के जो उससे वर्कआउट कर सकते हैं। और साइड में मेरा इंस्टाग्राम पॉपअप हो रहा है, और जो मेरे चैनल पे ना प्लीज चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी आपके लिए और इन्फॉर्मेशन वीडियोज आती रहेंगी। तब तक